हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में इंडिया और यूएसए की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ऑपरेशन तरकश की। जैसे मतलब क्या है सर, तरकश का तीर मारा गया है क्या? वैसा ही एक तीर है, एक तीर से तीन निशाने करते हैं, यहाँ पे चार निशाने हुए हैं। ये तरकश एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के साथ, हमने किया है मिलिट्री एक्सरसाइज है तरकश। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग थे तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया और यूएसए है, पर इंडिया की कौन सी फोर्स है, एक्चुअली इंडिया की कौन सी फोर्स इसमें अवेलेबल है वो याद रखने की जरूरत है कि नहीं? इंडिया की कौन सी फोर्स है सर? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कौन है? एनएसजी। आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। यूएसए की तो हमें याद नहीं रखनी, यूएसए से हमारे एग्जाम के लिए क्या पूछेगा कि इंडिया की कौन सी फोर्स थी? एनएसजी, और यूएसए इसमें है। कहां पर हुई है ये तरकश एक्सरसाइज? सर चेन्नई में हुई है। कहां पर हुई है? चेन्नई में हुई है। एग्जाम के लिए ये तीन फैक्ट हो गए, ठीक है। पर सर के तरकश तरकश आप कह रहे हैं कि चार तीर मार दिए, इसके पीछे मतलब क्या हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि अगर हम पर कोई केमिकल अटैक कर दे, मतलब केमिकल के वेपन्स अभी हम समझेंगे, कोई रासायनिक ऐसा कोई कर दे, कोई केमिकल जोड़कर हम पर फेंक दे और पूरे देश में हमारे में हाहाकार मच जाए तो हम कैसे निपटेंगे? बायोलॉजिकल कोरोना वायरस बना के लैब में फेंक दिया तो, और फिर पूरे विश्व भर में बर्बाद कर दिया तो कैसे निपटेंगे? रेडियो एक्टिव रेडियोलॉजिकल रेडिएशन फैला दिया तो, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया तो, हिरोशिमा नागासाकी जैसे, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे में किस तरीके से अगर हम पर कोई ऐसा अटैक कर देता है चाइना की तरह कुछ कर देता है ऐसे, तो इंडिया और यूएसए मिलकर आपका मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं तरकश, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने पार्टिसिपेट किया है, और हम देख रहे हैं कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम इन सब अटैक्स को कैसे झेलेंगे, क्या हमारे पर्पस रहेंगे, किसको बचाना है, क्या करना है, ये सारा का सारा ये सब हमने एक्सरसाइज में किया है। पहली एक्सरसाइज है ये, इंडिया और यूएसए की ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो न्यूज में थी, करंट अफेयर्स में आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम से दो कदम आगे बढ़ना है हमें, हमने तो ये एग्जाम के लिए पढ़ लिया कि ये सब चीजें होती हैं, पर अगर इसको जोड़ के साइंस का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक सर केमिकल बायोलॉजिकल हजार्ड होता क्या है, विश्व में बहुत सारे ऐसे वेपन्स बने हुए हैं तो इसके पीछे मतलब कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं आप? बिल्कुल समझाना चाहेंगे। इससे पहले कि आप पहले ये देख लो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी और चीजें हो सकती हैं, जैसे आर्मी के साथ हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं, यूएसए के साथ कौन सी? वज्र प्रहार। नेवी के साथ मालाबार। मालाबार में आपको पता है कि हमारी जो मीटिंग होती है क्वाड फोर की, तो मालाबार में हम सारे क्वाड फोर वाले जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, नेवी वाली होती है। और रेड फ्लैग हमारी 16 वाली किसके साथ होती है? इंडियन एयरफोर्स के साथ। ये हमने देख लिया, ये एग्जाम से रिलेटेड था हमारे जितने भी। साइंस का कॉन्सेप्चुअल अगर पूछा कि केमिकल हैजार्ड होता क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है, न्यूक्लियर हैजार्ड क्या होता है, कोई अटैक हो जाए, कुछ हो जाए तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट? अब देखो क्या है, ये सारे जितने भी साइंस मैंने डाल दिए हैं ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप कोई भी ऐसा सिंबल देखते हैं अपने आसपास, उस जगह से दूर हो जाइए। आपका कोई मतलब नहीं, नहीं सर छूने से क्या हो जाएगा उस कैन को, ये जनहित में जारी है कि कोई भी रेडियो एक्टिव वाला साइन देखिए, एटॉमिक साइन देखिए, बायो हैजार्ड देखिए, टॉक्सिक देखिए, फ्लेमेबल देखिए, ऐसी जो भी सिंबल्स हैं, ज्ञान तो हम हर वक्त देते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, हम लोग पढ़ाते हैं, पर ये भी चीजें हैं कि जनहित में जारी के लिए ये सिंबल्स मैं लेकर आया हूं। अगर आप अपने आसपास ऐसी कोई भी चीज देखते हैं जिसमें ये सिंबल दिया हुआ है, उस जगह को छोड़ दीजिए, चले जाइए 2 किलोमीटर दूर वहां से। ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, इनको छूने से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। ये केमिकल वेपन क्या सर? आप केमिकल वेपन कर रहे हैं, केमिकल वेपन है क्या एक्चुअली, बता दीजिए एक बार, चलिए देखते हैं। केमिकल वेपन में क्या होता है ना, आपकी रसायन केमिकल्स होंगे, मस्टर्ड गैस को कुछ मिला दिया, फोस्जीन में कुछ मिला दिया, ऐसा कुछ केमिकल डाल दिया, बेंजीन का कुछ मिला के डाल दिया और बम फोड़ दिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया इतनी देर में, आप सांस लेते रहे, ऑक्सीजन जा रहा है, इतनी देर में हो गया काम, आ गया कोई केमिकल वेपन, आपको मार दिया, पता भी नहीं चलेगा, मरने के बाद पता लगा रहे क्या हो गया। तो वही चीज है, केमिकल वेपन इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन देता है, न्यूक्लियर के टाइप फाड़ के रख देगा। तो ऐसा एक फोस्जीन नाम का गैस है, एग्जाम में पूछता है कि फोस्जीन वाला जो अगर कोई गैस हुआ तो वो कौन से वेपन में आएगा, न्यूक्लियर वेपन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा बायोलॉजिकल वेपन, ऑप्शन सी होगा केमिकल वेपन, सी फॉर केमिकल वेपन, ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा। फोस्जीन में फेफड़े में जलन होना शुरू हो जाता है, आपको पता चलेगा कि खांसी हो रहा है ऐसा करेंगे तो क्या लगेगा आपको कि केमिकल वाला कुछ है, पता नहीं क्या सांस में दिक्कत आ रहा है, खांसी ज्यादा हो रहा है, नहीं, फोस्जीन है उसके अंदर, फोस्जीन से छाती में जलन होने लग जाता है। और छाती में जलन तो शुरुआत होती है, आपकी जो नली है ना विंड पाइप, उसमें हवा ही नहीं पहुंच पाएगी, चोक कर जाएगा,
और आप सांस ही नहीं ले पाएंगे जब फोसजीन आ गया, तो वो एक केमिकल वेपन है, केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन में यूज किया था ये, करीब करीब 200 लोग मार दिए थे ब्रिटेन के, समझ रहे हैं जर्मनी को, आज देखो क्या कर रहा है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन के ऊपर छोड़ दिया था ये वेपन, फोसजीन को मिला के मिला के फोड़ दिया, आर्मी वर्मी को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, इतनी देर में मर गया सब धर धर आगे। आगे क्या है सर, आगे है मस्टर्ड गैस, ये भी एक तरीके का केमिकल वेपन होता है, एग्जाम में पूछा हुआ, यूपीएससी में पूछा हुआ, एनडीए में, कि मस्टर्ड गैस अगर हम यूज करते हैं तो वो कौन से वेपन में आता है, अरे भाई केमिकल वेपन में आता है, ऑप्शन सी ही था उसमें भी। क्या है ये, स्किन को जला देता है, अगर आप आपकी जो सांस होती है ना, ये जो स्किन विन होती है ना, स्किन विन, आप सब नाक से ही सांस नहीं लेते हैं, आपकी स्किन भी सांस लेती है, आपको पसीना आता है तो क्या आप क्या पानी डाल के रखेंगे पसीना आएगा, उस रोए में से पसीना आता है, उस बाल जो है ना आपका उसमें से पसीना आता है, उसके अंदर हवा जाती है तो पसीना आता है, अरे भाई मतलब उस हवाओं में जो मस्टर्ड गैस है वो हवा इतना जहरीला है कि अगर आपके स्किन को टच भी कर लिया ना, जला देगा पूरा का पूरा, जल जाएंगे आप, कंकाल बन जाएगा वहां पे तुरंत, इतना भयंकर केमिकल वेपन होता है, इसलिए बोलता हूं कभी देखेंगे तो भाग जाइए। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे है बायोलॉजिकल वेपन, ये क्या होता है सर, अरे कोरोना 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 लैब में बैठकर जैविक वाला जो हथियार होता है, बैक्टीरिया लिया, वायरस लिया, फंगस लिया, उसमें कुछ किया म्यूटेशन, उनका डीएनए चेंज किया और कोरोना फैला दिया चाइना पूरा हर जगह, ये है आपका बायोलॉजिकल वेपन, वही चीज मैंने लिख दिया है। और ये ससुरा जर्मनी उस दिन भी यूज किया था, एंथ्रैक्स और ग्लैंडर्स नामक, आपके एग्जाम में पूछ सकता है यूपीएससी वाले में, कि बैक्टीरिया नामक यूज कर दिया था ये सब, एंथ्रैक्स और ये सब, और उसके अंदर डाल के छोड़ दिया वर्ल्ड वॉर वन में, केमिकल वेपन भी यूज कर लिया वो वर्ल्ड वॉर वन में, बायोलॉजिकल वेपन भी यूज कर लिया, जीत भी नहीं किया वर्ल्ड वॉर, इतना सब यूज किया तब भी हार गया, बकलोलवा हम यूज करते तो पूरा खत्म कर दिया वो, ठीक है, ये सब यूज कर लिया ये लोग, भयंकर अलग ही एक्सरसाइज करता है ये लोग, ठीक है। और ये चाइना वाला जो है, पहले थोड़ा सा क्या कहते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हमको दया आता है, जापान भी वर्ल्ड वॉर टू में यूज किया था इस बायोलॉजिकल वेपन को, जापान पहले चाइना जैसा था ना, अब तो बहुत अच्छा हो गया जापान, पहले चाइना जितना था, मार देता था जो फट फट फट, जर्मनी के साथ युद्ध कर रहा था ना वर्ल्ड वॉर टू में, ये भी तो हारा, तभी तो हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़ा न्यूक्लियर वेपन, देखेंगे ठीक है, न्यूक्लियर वेपन क्या है, यही फोड़ा गया था जापान पे, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, न्यूक्लियर बम जब फूटता है ना सर, तो क्या होता है, अरे पॉल्यूशन है, जो सामने उस पॉल्यूशन को सूंघेगा ना एकदम से, न्यूक्लियर बम फूटा है क्या, फूल लेते हैं, सूंघ लेते हैं, जल जाएगा बॉडी तुरंत, पति भी नहीं करेगा कि आपको कब लगा चोट और कब बॉडी गल गई, पीछे से फेफड़ा निकल जाएगा, ऐसा करके फेफड़ा निकल जाएगा पीछे से, न्यूक्लियर वेपन में ऐसा हो जाता है। और क्या होता है मेन जो हो जाता है, पीछे लिखे हुए हैं हम लोग आपके लिए लिखे हैं, क्या हो जाता है, हमारा जो सेल होता है ना, हम तो बोलते फेफड़ा निकल जाएगा एक बार में, तो फेफड़ा कैसे निकलेगा, आपका जो बॉडी है ना, वो जैसे ही इस न्यूक्लियर वेपन की पॉल्यूशन को सूंघेगा आपकी बॉडी, तो जितने सेल्स होते हैं वो काम ही करना बंद कर देंगे, आपको पता है ना, जो आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, ये आपके आरबीसी 120 दिन लेता है पूरा अपना पूरा चक्कर करने में 120 दिन लगता है, फिर आरबीसी मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है, वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आरबीसी खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी में, डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाएगा, इम्यूनिटी एकदम चौपट हो जाएगा, आपको डायरिया होना शुरू हो जाएगा, आपको वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, आपको खाना पचेगा नहीं, जैसे ही आपने एक बूंद भी न्यूक्लियर वेपन का सूंघ कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, उसी में आपकी मौत भी हो जाएगी, इतना भयंकर होता है। इनको रोकने के लिए अलग अलग चीज किया हुआ है, कन्वेंशन किया हुआ है, वो केमिकल वेपन का भी कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन का भी कन्वेंशन है कन्वेंशन इसका भी है, एनपीटी करके कोई ट्रिटी है, कुछ फायदा थोड़ी ना है, जिसके पास है वही ट्रिटी करके बैठा हुआ है, कि जरूरत ही नहीं है हमको करने की, अलग ही है अपना अपना, ठीक है। और डीएनए में अलग म्यूटेशन हो जाता है, हम लोग का जो, हम लोग क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कुछ ना कुछ डीएनए होता है, एक चूहा, बिल्ली, शेर, इंसान, सबके अंदर डीएनए होता है, उससे वो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स को देता है, उस डीएनए में चेंज हो जाता है न्यूक्लियर वेपन के थ्रू, जैसे सूंघेंगे आप तो उस डीएनए में चेंज हो जाएगा, उस डीएनए की वजह से क्या हो सकता है, क्या पता आपकी सेल्स में ग्रोथ आ जाए, हम बोले हैं कि सेल डीएक्टिवेट हो जाता है, पर वेपन है जिसकी बॉडी में अलग अलग तरीके से आपका रिएक्ट करेगा, रेडियो एक्टिविटी है, कहीं भी कुछ हो जाएगा, तो कभी कभी होता है सेल ग्रोथ करने लग जाता है, एकदम से करोड़ों सेल आपका एक सेल से डिवाइड होकर बनेगा, सेल डिविजन थ्योरी पढ़े हैं ना, उसी में सेल डिवाइड होकर करोड़ों सेल बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा इतनी देर में, एक दिन के अंदर कैंसर होकर मर भी जाएंगे तुरंत, पता भी नहीं चलेगा। तो इसको रोकने के लिए अलग अलग ट्रीटी है, और कोई कर भी नहीं करता है, सब लोग अपने अपना छुपके से बनाता रहता है, वह ईरान देख रहा है कि बना लें, इसराइल बना ही लिया है, इंडिया पाकिस्तान तो पहले ही खेल कर चुके हैं, और यूएसए वाला 6,000, उसका 5,000 है, तो रशिया वाला 6,000, अपने आप न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है,
ठीक है। तो ये सब था जो आपके एग्जाम में एनडीए सीडीएस एफकैट और एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम में ये सब पूछ सकता है कि कौन से वेपन्स का और कौन से गैस का हम यूज करते हैं कौन कौन से वेपन सिस्टम में, ठीक है। तो ऐसी के लिए आप इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस मेरे साथ देखते जाइएगा, और कौन से टॉपिक पे आपको अगला वाला टॉपिक चाहिए जिसमें हम विश्लेषण कर सके इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस में, मुझे बताइएगा।